अपने साथ देवनाथ जुड़े चुके हैं। अच्छा सिद्धार्थ, देवनाथ जिस तरह से बोल सकते हैं कर्नाटक कांग्रेस की जो जीत हुई है बहुत बड़ी और अच्छी जीत मान सकते हैं इसको, अब कांग्रेस आगे क्या करेगी, क्योंकि जीत तो कांग्रेस ने ले ली है परंतु सरकार बना के वहां पे टिक पाएगी कांग्रेस की सरकार, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सरकार बना रही है ये भी लगभग तय हो चुका है। 135 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की पार्टी जो है बढ़त बनाकर वहां पर है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने अब अपनी हार मान ली है और ये कहा है कि अब पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी कि बीजेपी से गलती कहां हुई। लेकिन एक बड़ी बात ये देखी जा रही है, राहुल गांधी आते हैं आपसे कुछ देर पहले जब मीडिया को संबोधित करते हैं, राहुल गांधी ने जो बात कही उन्होंने ये कहा कि हमने नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से ये चुनाव जीता है और लड़ा भी था। हम दोनों भाई बहन को विशेष तौर से उन्होंने कहा कि हम वहां पर गए और कर्नाटक के एक एक लोगों से मुलाकात करके वहां पर हमने मोहब्बत फैलाया और नफरत से चुनाव नहीं जीता जाता। ये सबसे बड़ा अहम रोल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अब लड़ाई कर्नाटक विधानसभा चुनाव की नहीं रही है, देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई जगजाहिर है, देखने को लगातार मिल रही है, तो अब इसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री जीत के बाद कौन होगा ये निर्धारित नहीं हुआ है। कल बैठक बुलाई गई है सभी विधायकों की और कल के बाद जरूर ये इस पर कुछ कहा जा सकता है कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन अब जो दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उन नामों के बीच में उनके समर्थकों के बीच में ऐसा देखने को ठीक वैसा मिल सकता है जैसा राजस्थान में देखने को मिल रहा है, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया। मुख्यमंत्री बनने की रेस में यही दो नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जो उम्मीद की जा रही है डीके शिवकुमार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये वादा किया था कि बीजेपी को हराकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी और इसकी जिम्मेदारी बकायदा उन्होंने ली थी। और आज जब कांग्रेस पार्टी लगातार सुबह से देखने को मिला कि हर सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही थी, तो डीके शिवकुमार का यह बयान भी निकलकर सामने आया कि सोनिया और राहुल से जो हमने वादा किया था हमने पूरा किया, अब आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाती है, यानी कि साफ साफ इशारा उनका यही था कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में जो नाम पार्टी तय करेगी कांग्रेस पार्टी वही नाम तय किए जाएंगे फिलहाल। लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान फिलहाल अभी साबित नहीं होने वाला है। जी देवनाथ, वही है कि आसान दिख रहा है पर है नहीं, क्योंकि अभी राजस्थान में जो स्थिति है साथ में कर्नाटक में बोल सकते हैं कि इस बार मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातों का उल्लेख जो है वो किया है कांग्रेस ने, क्या लगता है कि वो कर सकती है? और बात करें कि बीजेपी की हार हुई, कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सका? देखिए सबसे पहले अगर बीजेपी की अगर हार की बात की जाए तो वो क्या वजहें रही कि जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वो भी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा वहां पर रोड शो करते हैं, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रिगेड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, वो भी इस तरह से चुनावी रैलियां करते हैं, तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आखिर बीजेपी से गलती कहां हुई। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो लिंगायत वोटर हैं वो बीजेपी से खासतौर से नाराज होते दिखाई दिए और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से निकलकर जानकारी आ रही है कि जो लिंगायत समुदाय है लिंगायत वोटर हैं वो बीजेपी से इस वक्त नाराज भी चल रहे थे। और कर्नाटक की जनता के लिए एक चीज और कहा जाता है कि जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में कभी बीएसपी की तो कभी समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, यानी कि 5-5 साल के अंतर के दौरान, ठीक वैसे ही कर्नाटक में भी लगातार देखने को मिलता है और वही सिलसिला जो पिछले 38 सालों से चलता रहा था। एक वजह यह भी देखी जा रही है कि 38 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही थी वो सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है, अभी वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो दो वजहें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत कर कर्नाटक में आ चुकी है, सरकार बनाने भी जा रही है, पार्टी के बहुत सारे नेता अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन राहें उतनी आसान अभी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी आसान फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है। डीके शिवकुमार जो कि इस पूरे जीत के हीरो बताए जा रहे हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर चाहे वो प्रचार प्रसार की बातें हों या फिर जब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था तब से कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के साथ डीके शिवकुमार भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर
देते हुए दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी के कई स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे और वो भी रैलियां करते दिखाई दिए। तो जमीनी स्तर पर जो बदलाव देखने को मिला वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन एक चीज और देखी जा रही है, डीके शिवकुमार ने यह कहा कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, बजरंग बली और अली हिजाब हलाला, इन सब बातों का कर्नाटक की जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ है और कर्नाटक की जनता इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करने देना चाहती है, तो एक वजह यह भी देखी जा रही है। अब ऐसे में कौन सी वजहें हैं, बीजेपी फिलहाल मंथन करने की बात कही जा रही है, बीजेपी पार्टी बैठक बुलाया जाएगा और उसमें मंथन किया जाएगा कि हार का जो मुख्य वजह है वो क्या है, फिर कुछ कहना साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये तय करना जरूरी है कि डीके शिवकुमार ने जो कहा था 140 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे, तो 140 तो नहीं, 135 से ज्यादा तो बढ़त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे अब से कुछ देर बाद नतीजे शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तब कुछ कहना मुनासिब हो पाएगा। जी जी देवनाथ, समग्र विगत आपका बदल जुड़ा बदल आभार। तो कોંગ્રેસે જીત મેળવી લીધી છે, પરંતુ જીત બાદ એ જીતને પચાવી અને જીતને ટકાવી રાખવી પણ કોંગ્રેસ માટે આસાન નહીં રહે, કેમ કે જે રીતેના ત્યાં દિગ્ગજ ચહેરાઓ છે કોંગ્રેસના, તેમાંથી કોને મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટવા અને કોને મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કરવા, ત્યાર પછી એમાં વિરોધ જોવા મળશે કે નહીં તે પણ મોટો સવાલ કોંગ્રેસ માટે છે।